हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल की सीरीज़ में आज हम ये देखेंगे कि किस तरह हम एक सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को प्रिंट एफ का यूज़ करके डिबग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा डिबगिंग के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन कि आखिर डिबगिंग की ज़रूरत ही क्यों है। तो सपोज़ ऐसा मान लीजिए कि आपको एक प्रोग्राम बनाने को कहा गया जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करे, और आपने उसका कोड लिखा, उसे कंपाइल किया, वो कंपाइल हो गया, उसे रन किया, तो जो आउटपुट आया आपके प्रोग्राम का, वो जो आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट था उससे मैच नहीं कर रहा है। यानी कि कहीं आपके प्रोग्राम में कोई दिक्कत है, कोई बग है। तो उस बग को फाइंड करना, उसे ठीक करना, उसे हम डीबगिंग कहते हैं। जैसे अगर थोड़ा और डिटेल में समझे डीबगिंग को क्या है, तो डीबगिंग एक ऐसा जो एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसके अंदर सबसे पहला काम होता है हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर उस प्रॉब्लम का जो सोर्स है उसे आइसोलेट करना, फिर उसके बाद या तो उसको ठीक करना, करेक्ट करना उस प्रॉब्लम को, या फिर अगर वो प्रॉब्लम करेक्ट नहीं हो सकती है तो कोई दूसरा रास्ता निकालना उस काम को करने के लिए। और जो फाइनल स्टेप होता है डिबगिंग में, वो होता है टेस्ट करना उसे कि जिस करेक्शन के लिए हमने डिबगिंग करी थी वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो आज हम क्या करेंगे, आज एक जो हमने फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम बनाया था, मैं दोबारा से वही प्रोग्राम बनाऊँगा। और सपोज़ मैं जल्दी जल्दी में कोई फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाता हूँ, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह हम उसको डिबग करके सही कर पाएंगे। तो सपोज़ सिंपल फैक्टोरियल के प्रोग्राम में सबसे पहले हम एक n वेरिएबल बना लेते हैं जिससे हम यूज़र से फैक्टोरियल किसका निकलवाना है वो एंटर करवाएंगे, और उसके बाद जिसमें हम अपना फैक्टोरियल स्टोर कराएंगे उसका नाम मैं देता हूँ सपोज़ फैक्टोरियल। तो सबसे पहले मैं यूज़र को मैसेज प्रिंट कर दूंगा, एंटर अ नंबर, और फिर यूज़र से वो नंबर एंटर करा लूँगा। फिर उसके बाद जैसे फैक्टोरियल में हमें पता है वन से लेके एन तक सारे नंबर मल्टीप्लाई करने होते हैं, तो आई इंट आई, यहाँ से आई के आई इनिशियलाइज कर लेता हूँ जो कि वन से स्टार्ट होगा, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा फैक्टोरियल वेरिएबल है उसमें आई से लेके एन तक सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और फिर बाहर जो फैक्टोरियल है हमारा वो प्रिंट कर देंगे। तो ये हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम बन गया है। चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए नंबर मांग रहा है, सपोज़ मैं 5 डालता हूँ, यहाँ देखिए ये 0 प्रिंट कर रहा है। मतलब जैसे हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, तो यहाँ पे 120 प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 0 प्रिंट हो रहा है। मतलब हमारे प्रोग्राम में कोई बग है। तो चलिए उस बग को फाइंड करते हैं। तो सबसे जो बेसिक अभी मेरे सामने दिमाग में आ रहा है वो ये कि हर आई की वैल्यू पे मैं चेक करूँ कि मेरे फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पे अब प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे। प्रिंट एफ आपका सिंपली सी आउट की तरह होता है, कंसोल पे प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सपोज़ मैं आई की वैल्यू प्रिंट करूँगा, तो पहले मैं यहाँ पे आई लिख रहा हूँ, तो कंसोल पे पहले आई प्रिंट होगा, फिर कॉलन, उसके बाद स्पेस के बाद ये मैं लिख रहा हूँ परसेंट डी। अभी जो परसेंट डी है इसकी जगह मेरा जो आई की वैल्यू होगी वो आएगी। अभी मैं बताता हूँ आगे कैसे आएगी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ मेरे को प्रिंट करनी है वो होगी जब आई की वैल्यू जो है उस आई की वैल्यू पे जो फैक्टोरियल की वैल्यू वो क्या है। तो फैक्टोरियल में मैंने ऐसे और फैक्टोरियल के आगे भी परसेंट डी। तो अब यहाँ पे जो परसेंट डी है, यहाँ पे मैंने डी यूज़ किया, ये इंटीजर्स के लिए यूज़ होता है। और परसेंट डी हम ऐसे लिख रहे हैं मतलब कि यहाँ पे आगे जब ये प्रिंट होगा तो यहाँ पे रिप्लेस होगा किसी वेरिएबल से। तो यहाँ मैंने डी लिखा है, इसका मतलब ये एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल से रिप्लेस होगा। अगर मुझे किसी कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल से रिप्लेस करना हो तो मैं यहाँ पे सी लिखता, अगर फ्लोट टाइप के वेरिएबल से करना हो तो यहाँ पे मैं एफ लिखता, स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल से करना होता तो यहाँ पे मैं एस लिखता। तो ये जो आई के बाद जो ये परसेंट डी है, यहाँ पे मतलब कि एक इंटीजर टाइप की वेरिएबल की वैल्यू आएगी। और वैसे ही फैक्टोरियल के आगे परसेंट डी है, मतलब यहाँ भी एक इंटीजर टाइप की वेरिएबल की वैल्यू आएगी। अब जो यहाँ पर रिप्लेस होगा जिनसे, जिस ऑर्डर में हमने इसे परसेंट डी को लिखा है उसी ऑर्डर में हमें वेरिएबल्स का नाम लिखना होगा। मतलब जो हम सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखेंगे कॉमा के बाद, यहाँ पे वो सबसे पहले वाले परसेंट डी से रिप्लेस होगा, और जो दूसरा लिखेंगे हम वेरिएबल का नाम वो दूसरे वाले परसेंट डी से रिप्लेस होगा। तो जो हमारा पहला परसेंट डी है वहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, और जो हमारा दूसरा परसेंट डी है वहाँ पे फैक्टोरियल की जो वैल्यू है हमारी वो प्रिंट होनी चाहिए। और
हर प्रिंट एफ स्टेटमेंट के बाद, मतलब हर इस लाइन के बाद एक न्यू लाइन, ताकि हमें देखने में उसे आसानी हो। तो चलिए अभी इसे रन करके देखते हैं। तो ये प्रिंट एफ हमारा क्या करेगा, सिंपली आई की वैल्यूज़, किस किस आई की वैल्यू है, फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, वो हमें साथ में शो करते रहेगा यहाँ पे। प्रिंट एफ, तो यहाँ पे नंबर सपोज हम 5 डालते हैं, तो यहाँ देखिए आई की वैल्यू 1 पे फैक्टोरियल की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 2 पे भी फैक्टोरियल की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 3 पे भी फैक्टोरियल की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 4 पे भी फैक्टोरियल की वैल्यू 0 है। तो हमारा पहले स्टेप में ही फैक्टोरियल की वैल्यू 0 आ रही है, तो वो फैक्टोरियल आगे भी मल्टीप्लाई होकर सबको 0 कर देगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है, जब फैक्टोरियल आई से यानी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फैक्टोरियल 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 आ रहा है। तो इस केस में यही हो सकता है, आई की वैल्यू तो 1 है यहाँ से श्योर है, फैक्टोरियल की वैल्यू 0 हो सकती है, तभी यहाँ पे 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि फैक्टोरियल की वैल्यू 0 है, क्योंकि हमने फैक्टोरियल को इनिशियली 1 से इनिशलाइज नहीं किया है। तो हम इस प्रॉब्लम को सही कर देते हैं, हम फैक्टोरियल को 1 से इनिशलाइज कर देते हैं। चलिए अभी से रन करके देखते हैं। सपोज भाई 5 डालता हूँ मैं, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 पे फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, और मेरा आंसर जो हुआ है वो 24 प्रिंट हो रहा है, लेकिन इसे 120 प्रिंट होना चाहिए था। और आई फैक्टोरियल की वैल्यू 1 पे 1 आ रही है, फैक्टोरियल की वैल्यू 2 पे भी 1 आ रही है, लेकिन फैक्टोरियल की वैल्यू 2 पे 2 आनी चाहिए, क्योंकि 2 इंटू फैक्टोरियल 1 2 होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट डाली है वो हमने फैक्टोरियल से मल्टीप्लीकेशन के पहले डाली है, तो इसलिए हमें जो रिजल्ट शो कर रहा है वो मल्टीप्लिकेशन के पहले शो कर रहा है। तो हम जो हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला काम है वो प्रिंट एफ स्टेटमेंट से ऊपर कर लेते हैं। चलिए अभी से रन करके देखते हैं एक बार, यहाँ पे 5 डालते हैं। तो अब फैक्टोरियल 1 पे 1, फैक्टोरियल आई की वैल्यू 2 पे 2, फैक्टोरियल आई की वैल्यू 3 पे 6, फैक्टोरियल आई की वैल्यू 4 पे 24, यहाँ तक ठीक चल रहा है, लेकिन अभी भी हमारा आंसर 120 नहीं आ रहा है। और यहाँ हम देख सकते हैं आई की वैल्यू 1 से लेके 4 तक जा रही है, जबकि फैक्टोरियल में जो नंबर होते हैं वो 1 से लेके n तक मल्टीप्लाई होते हैं। तो यानी कि हमारा लूप जो है वो एक कम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो i है वो लेस देन n कर रखा है, यहाँ पे हमें लेस देन इक्वल टू n करना होगा, ताकि हमारा जो i है वो पूरा 1 से लेके 5 तक जाए। चलिए अब रन करते हैं, 5 डालते हैं। देखिए अब हमारा पूरा बिल्कुल ठीक चल रहा है, हमारा आउटपुट 120 आ रहा है। चलिए एक और एक और वैल्यू पे चेक करके देखते हैं, सपोज़ 6 पे, तो यहाँ पे देखिए 720, अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज़ करके अपने प्रोग्राम में कहाँ कहाँ गलतियाँ थी वो पता लगाई, फिर उन्होंने ठीक किया, और फाइनली जो हमारा प्रोग्राम है अब ठीक काम कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपका आपको आज जो समझाया, जो कि बहुत बेसिक अप्रोच है, ज़्यादातर प्रोग्रामर्स इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं। अगर आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं और उसके बाद आपके प्रोग्राम का आउटपुट गलत आता है, तो जहाँ जहाँ पे आपको अपने प्रोग्राम में गड़बड़ी लगती है कि हो सकती है, वहाँ वहाँ पे आप जो वेरिएबल्स की वैल्यू है उन्हें प्रिंट करके देख लीजिए कि किस तरह चेंज हो रही है, फिर आप लाइन बाय लाइन उन्हें देखिए कि कहाँ पे दिक्कत हो सकती है। इसी तरह हम किसी भी प्रॉब्लम को जो ज़्यादातर यूज़ होने वाला वे है यही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा एडवांस जो वे होता है GDB का यूज़ करके किस तरह हम मेरे प्रोग्राम को डिबग कर सकते हैं वो देखेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।